नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में आज कलाकार योगराज सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार अशोक तंवर के पक्ष में वोट मांगे। योगराज सिंह ने फतेहाबाद के एमएम कॉलेज में युवाओं से अशोक तंवर को वोट देने की अपील की। फतेहाबाद में आज योगराज सिंह के द्वारा रतिया इलाके के कई गाँवों का दौरा किया गया और अशोक तंवर के पक्ष में जमकर प्रचार किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ विवादित बयान भी दिए। योगराज सिंह ने कहा कि जो लोग अभी भी नहीं जागेंगे उनकी बहू बेटियों का घर से निकालकर बलात्कार होगा और जाति और मजहब के नाम पर सिर कलम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा समय नज़दीक है। योगराज सिंह ने अशोक तंवर की जमकर तारीफ की और लोगों को पार्टीबाजी से उठकर व्यक्ति विशेष की छवि को देखते हुए वोट डालने की अपील की। मैं कह के जा रहा हूँ, आज का दिन, आज का समय, आज का महीना याद रखिएगा, लिख के अपनी जेब में डाल लीजिएगा कि जो हाल होने वाला है हिंदुस्तान का, उस 47 में कुछ भी नहीं, वो एक ट्रेलर रह के हो जाएगा, पिक्चर आपके सामने आने वाली है। क्योंकि जो चीज़ आप खड़ी करेंगे उसमें आप रोया मत करो। अब आपके पास अगर अशोक तंवर जी जैसे लीडर हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि अच्छे खानदान से है, खानदान बहुत बड़ी चीज होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाला समय है, मैं जब आपको लोगों को देखता हूँ तो खुदा से कहता हूँ ऐसा मत करना इस देश में है। खुदा है, अल्लाह, मैं इल्तजा करके जा रहा हूँ कि जहाँ मुझे अपने जीते जी अपने ही लोगों का खून बहता देखना चाहिए, ये नहीं चाहता, ये कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन जो हमने बीज दिया है उसको काटने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। टाइम है अभी, आप लोग समझ जाओ, नहीं तो मैं अपने रिश्ते निभाते निभाते अगर शहीद भी हो जाऊंगा इस परिवार के लिए, देश के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस परिवार से हूँ जो शहीद होना जानते हैं, जो लोगों के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ते लड़ते मैं उस परिवार से हूँ और मैं लड़ाई लड़ना जानता हूँ। पर ऐसा समय बहुत जल्दी आने वाला है जब आपके घर से आपके बहू बेटे को निकाल के उनका बलात्कार किया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा समय आने वाला है जब आपकी जेबों से पैसे निकाल कर आपका सर अलग कर दिया जाएगा और आपको ये कहा जाएगा कि तुम किस कास्ट के हो, और धर्म है तुम्हारा, ये धर्म अपनाओ तो यहाँ रहोगे। तो औरंगजेब का राज आने वाला है बहुत जल्दी, समझ सकते हो तो समझ जाओ। मैं तो ये चाहूंगा कि आप अपना लीडर चुनो और जो अशोक जी से अच्छा लीडर मेरी नजर में, ये नहीं कि मैं परिवार का मेंबर हूँ इसलिए आपको कहने आया हूँ, अगर मुझे वो अच्छे नहीं दिखते, मुझे परिवार में कोई बात नहीं दिखती, तो शायद मैं दूर जाता, बोलता जी मैं एक्टिंग तक ही आपके साथ हूँ, इससे आगे मैं नहीं चल सकता। मैं उस इंसान के साथ चलता हूँ जिसको मैं समझता हूँ, जिसको मेरी नजर देखती है, आपका मस्तक देखती है कि ये आदमी ठीक है कि गलत है, और आज तक मेरी जजमेंट कभी गलत नहीं है।